हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ रीना। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ एक नई डिश शेयर करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। दोस्तों, ये है पालक यानी स्पिनिच। इसका हम आज एक नई डिश बनाएंगे जो मैं आपको सिखाऊंगी। इसको हम इसमें बॉईल करने के लिए डालेंगे। इसको मैंने धोकर तैयार कर दिया है और मिट्टी सारी निकाल दी है और इसको बिल्कुल छांट कर भी तैयार कर दिया है। अब इसमें इसको डालेंगे। इसको बॉईल करना है दोस्तों। इसमें पानी डालेंगे ज़रूरत के अनुसार, जितना इसमें चाहिए। इसको अब हम गैस ऑन कर देंगे और इसको हम उबलने देंगे। और ये ढक्कन लगाकर इसमें थोड़ी देर इसको उबलने देंगे, पानी में बॉयल होने देंगे। दोस्तों, पालक उबल चुका है, आप देख ही रहे होंगे। अब इसको हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडे पानी में निकाल देते हैं ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अब ये बॉईल हो चुका है पालक। अब मैं इसको मिक्सी में पीसने के लिए डाल रही हूँ। इसमें ये हरा धनिया डालना है, दो हरी मिर्ची भी डालेंगे और थोड़ा सा मैंने लहसुन काट रखा है। इसको मैं पीस रही हूँ। दोस्तों, इसका जो बॉईल करने का पानी था मैंने वो इसमें डाल दिया है। ये मैंने ग्राइंड कर दिया है, ये देखिए। बेसन छान रही हूँ मैं। दूसरा कप डाल दिया मैंने छानने के लिए बेसन। वैसे आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, मैं ढोकला बना रही हूँ। पालक ढोकला आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, जितना बड़ा छोटा जितना बनाना है, जितना पसंद है आपको। मैं 3 कप ले रही हूँ, ये 3रा कप है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून सूजी डाल रही हूँ। टेबलस्पून क्या, जो ये मेरे पास छोटा सा वो है ना, स्पून से बड़ा है और बड़ी कड़छी से छोटा है, इसके हिसाब से मैंने 2 डाले हैं चम्मच। और अभी स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आधी चम्मच काली मिर्च डाल रही हूँ मैं इसमें, क्रश की हुई। 1 टी स्पून चीनी भी डालेंगे हम इसमें। अब इसको मिक्स कर रही हूँ मैं। अब इसमें पालक की प्यूरी भी ऐड करेंगे। पानी डालकर, जो इसका बॉईल करने वाला पानी था पालक का, वो भी मैंने डाल दिया है, वो मैंने इसमें यूज़ कर दिया है। दही भी डाल रही हूँ मैं। एक कप के करीब होगा। पहले हम 1 कप दही डालेंगे इसमें। और अब इसको मिलाएंगे।
अब इसको मैं ना, मेरे पास ये डोंगा छोटा हो गया है, इसको मैं इस परात में डालती हूँ ताकि मेरे ये आराम से बने। इसमें मिलाया नहीं जा रहा है ढंग से। इसमें जो ये पालक को बॉईल करने का पानी था ये पूरा ही यूज़ कर दिया मैंने। दोस्तों हाथ मेरे साफ है, आपने ऐसे नहीं सोचना ही कि गंदे हाथों से वो कर रही है। अब इस पेस्ट को ना 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, तब तक हम दूसरा काम करते हैं। अब ये मेरे पास 2 इंच का कंटेनर है, इसको मैं वो कर रही हूँ, ग्रीस कर रही हूँ, इसको तेल से ग्रीस करना है। अब मैं इसके लिए ना कढ़ाई रख रही हूँ, इसमें पानी डाल रही हूँ। अब जो ये स्टैंड है इसको रखेंगे हम इसमें, फिर इसको गरम होने देंगे। कंटेनर के लिए मैंने अब बटर पेपर काट लिया है, ये ग्रीस पहले कर लिया था, अब इसमें डाल दिया। अब इसको रख के 20 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें एक चम्मच इनो डाल रही हूँ मैं। इसमें मैं एक चम्मच इनो डाल रही हूँ और एक नींबू का रस डाल रही हूँ। इसको हमने जब हम इसमें इनो डाल देते हैं तो इसको एक ही साइड को एक ही पोजीशन में घुमाना पड़ता है। कंटेनर तैयार है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको थोड़ा टैप टैप करना है और अब कढ़ाई भी प्री हो चुकी है, अब इसमें रखना है। और ये मैंने बंद कर दी थी गैस, और अब इसको 15 मिनट के लिए पकने देना है। ढोकला को चेक कर रही हूँ मैं, अब शायद पक ही चुका है, ये टूथपिक साफ आई है, शायद पक चुका है। और इसको निकाल देते हैं, देखिए दोस्तों कितना फूल चुका है। दोस्तों ढोकले को अब हम कंटेनर से अलग करेंगे, वैसे तो अपने आप ही छूट रहा है इससे। वाओ, बटर पेपर को हम अलग कर देते हैं। वाओ,
ढोकला मैंने कट कर दिया है, अब इसके लिए छौंका बना देते हैं। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे, इसमें सबसे पहले हींग डाल रही हूँ और उसके बाद सरसों डालेंगे, ये होगा 1 टेबलस्पून, आधा टेबलस्पून हींग और 1 टेबलस्पून सरसों। और अब डाल रही हूँ मैं कड़ी पत्ता, हरी मिर्च भी डाल रही हूँ, थोड़ी सी काट के रखी है मैंने, 3 मिर्चें हैं ये हरी मिर्चें। अब इसमें थोड़ा ना पानी डालना है, आधा कप पानी होगा ये। अब ये तैयार हो चुका है, अब ये जो इसका छौंका है ना, इसको ढोकले के ऊपर हम ऐसे डालेंगे। मैं नारियल का बुरादा डाल रही हूँ, डेकोरेशन के लिए। ये डाल रही हूँ, ये है अनार। अब मैं बना रही हूँ ढोकले के साथ चटनी, टमाटर की चटनी। थोड़ा सा तेल डालेंगे, चना दाल डाल रही हूँ मैं इसमें, दला चना, इसको थोड़ा रोस्ट करेंगे। और इसके बाद ना इसमें लहसुन की कलियाँ डालूँगी। और अब हरी मिर्चें भी डालेंगे, हरा धनिया भी डालूंगी मैं। तीन टमाटर हैं काटे हुए मैंने, और इसको भी इसमें डाल दूंगी। अब इसमें नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार। इस थोड़ा सा पानी डालेंगे, इनको बॉयल होने देंगे टमाटर को। टमाटर गल चुके हैं, अब इसके ना छिलके अलग करेंगे और फिर इसको ठंडा भी होने देंगे पहले तो, फिर उसके बाद इसके छिलके अलग करेंगे, फिर पीसेंगे। अब ये टमाटर भी ठंडे हो चुके हैं, जो इसका मैंने मिक्सचर बनाया था वो ठंडा हो चुका है। अब इसको मैं मिक्सी जार में डाल रही हूँ पीसने के लिए।